अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम इस्लामाबाद। कहते हैं जी मंजिल से ज़्यादा रास्ता खूबसूरत होता है, और इस रास्ते के लैंडस्केप्स, वैलीज, रिवर्स को दिखाने के लिए ये सेकंड एपिसोड बनाई गई है। मंजिल है हमारी कश्मीर के नॉर्थ का लास्ट पॉइंट, नीलम वैली का लास्ट टूरिस्ट पॉइंट ताऊबट। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि उसके अंदर किलोमीटर्स के हिसाब से आपको तमाम डिटेल बताई गई थी, जबकि इस वीडियो के अंदर इन डिटेल वीडियो है। और लेफ्ट के ऊपर देखते रहिएगा, मैप स्टार्ट होगा। इस वक्त इस्लामाबाद और इसके इर्द गिर्द के इलाकों की ट्रैफिक रोड पे मौजूद नहीं है, तो ज़बरदस्त माहौल है जी यहाँ पे, और ड्राइविंग का नो डाउट एक अपना ही मज़ा है यहाँ पे इस वक्त। सामने 12 करोड़ की बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, 12 करोड़ की आबादी नज़र आ रही है। और दिन के वक्त अगर आप यहाँ से गुजरें तो गाड़ियों का सैलाब होता है इस एरिया से। पहले भी हमने कई दफ़ा ट्रैवल किया है, लेकिन इस वक्त तो यहाँ पे जीटी रोड और मोटरवे का फील आ रहा है, और मज़े की राइड हो रही है इस बाज़ार के एरिए में से। अच्छा, एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि मरी एक्सप्रेसवे को इतनी खूबसूरती से बनाया गया है कि यहाँ पे एक तो यहाँ पे टर्न्स नहीं हैं, बैंड्स नहीं हैं, और दूसरा यह कि चढ़ाई चढ़ते हुए आप फील ही नहीं करते कि आप ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये कश्मीर, मरी और ख़ासकर नीलम के लोगों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। इस वक्त अगर आप देखें तो मरी एक्सप्रेसवे के ऊपर बिल्कुल खाली है, कोई ट्रैफिक नहीं है, और हमें ड्राइविंग का नो डाउट यहाँ पे अपने स्मूथ चलने का अपना ही एक मज़ा है। ये मेरे लेफ्ट साइड पे आप देखें तो दीवार के ऊपर पेंटिंग्स, वॉल पेंटिंग्स की गई हैं, और थोड़ा वेस्टर्न टच दिया गया, लेकिन एक खूबसूरत अट्रैक्शन है ये।
Finally, sun is rising. Good morning, Pakistan. हम इस वक्त जनाब मुजफ्फराबाद के एरिया में दाखिल हो चुके हैं और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के कैपिटल की तरफ हमारा सफ़र जारी है। एक बात आपको बताते चलें कि नीलम वैली बेसिकली हाला पुल के बाद स्टार्ट हो जाती है। हमारे राइट साइड के ऊपर इस वक्त यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ AJ&K, सऊदी अरेबियन गिफ्ट, किंग अब्दुल्ला कैंपस, AJ&K यूनिवर्सिटी। फाइनली इन द कैपिटल ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद में हम पहुंच चुके हैं और इस वक्त हम कैपिटल में से गुज़र रहे हैं। भाई साहब ने बड़ा एक अजीब सीन किया हुआ है, काला स्याह धुएं ट्रक इनका छोड़ रहा है और ये हेलमेट के अंदर से भी आप यकीन करें मुँह के अंदर जरा जा रही है। ठहरे पहले इसको क्रॉस कर लें।
कुछ जगह देखते हैं जहाँ पे नाश्ता किया जा सके, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत अर्ली निकले थे और यही सोचा था कि नाश्ता मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा। यहाँ से किस साइड पे जाना है? एक तो सीधा रास्ता जा रहा है और दूसरा राइट साइड पे, देखते हैं इसको। आठ मुकाम ठीक हो गया, राइट पे जाना है जी।
ये सामने धनी वाटरफॉल का स्टॉप है। धनी वाटरफॉल एक आबशार, काफ़ी बुलंद, 40 से 50 फीट आई थिंक इसकी हाइट है। बहुत खूबसूरत है, जितना करीब इसके जाएं ये इतनी खूबसूरत नज़र आती है। तो इस वक्त लेकिन यहाँ पे स्टॉप का इरादा नहीं है। मुनीर नियाजी साहब ने कहा था हमेशा देर कर देता हूँ मैं, हम तो मॉर्निंग में इसीलिए जल्दी निकले थे कि कहीं देर ना हो जाए। तो आई थिंक यहाँ पे स्टॉप नहीं करते, अगर वापसी पे टाइम हुआ तो इसको टच करेंगे।